जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर सेकंड है। टॉपिक जो है हमारा व्हाट इज डस्ट टोपोलॉजी एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। डस्ट टोपोलॉजी इज द सिंपल सेट टाइप ऑफ नेटवर्क, मतलब बल्कि नेटवर्क की बिल्कुल सादा केस में डस्ट टोपोलॉजी है। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर मतलब थोड़े तादाद में होते हैं कंप्यूटर इसके साथ जो कनेक्टेड होते हैं। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए, मतलब ये जो होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ये मखसूस कहते हैं मीडियम होता है जो इसके सेंटर में कंप्यूटर यूज़ होता है उसी के जरिए कनेक्टेड होता है। दिस मीडियम इज़ ऑफन नोन एज सेंट्रल वायर नोन एज बस, मतलब ये जो दिस मीडियम ये मीडियम यूज़ किया जाए सेंट्रल वायर होते हैं जिसको हम बस का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने ये छोटी स्ट्रक्चर बनाई है, ये सेंटर में जो मैंने लाइन लगाई है केबल है, इसको हम बस का नाम देते हैं। इसी बस के साथ ऊपर कंप्यूटर नीचे कंप्यूटर, कंप्यूटर भी कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर भी कनेक्टेड होते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर ये तादाद कनेक्टेड होते हैं। और ये जो छोटे छोटे में सर्कल लगे हैं प्लस और माइनस का, ये टर्मिनेटर होते हैं जो कि सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं। तो यही चीज़ है द टर्मिनेटर आर यूज्ड एट द एंड ऑफ बस, मतलब ये जो सर्कल है गोल ये क्या होता है टर्मिनेटर जो कि बस के एंड में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं एंड में यूज़। तो इसी तरह ये एंड में यूज़ होते हैं और टू ऑब्जर्व द सिग्नल, ये क्या करते हैं सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सिग्नल को जज्ब करते हैं। ठीक है, अ कोलिजन कैन अकर अ बस टोपोलॉजी इफ़ टू कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम, मतलब अगर वो कहते हैं अगर कोलिजन मतलब कोई तसादम हो जाए कि नक्कर कोई इस तरह हादसे पेश आ जाए तो बस टोपोलॉजी में इफ़ टू कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा, मतलब दो कंप्यूटर एट टाइम सेम टाइम डेटा ट्रांसमिट करें तो क्या हो जाता है कोलिजन हो जाता है कि नक्कर, मतलब वो डेटा ना उधर हो जाता है ना इधर जाता है। ठीक है, इसके बाद है वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी। वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी वो क्या है, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डेटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू अ बस, मतलब बस के ज़रिए ये डाटा सेंड करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जिस एड्रेस की तरफ पहुँचना, मंजिल मकसूद एड्रेस की तरफ, जिस एड्रेस की तरफ पहुँचना उसी एड्रेस की बात कर रहा है। द डेटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन द, मतलब डेटा या एड्रेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, जो फॉर एग्जाम्पल ये जो खड़ा कंप्यूटर इसने डाटा ट्रांसफ़र करना है इस कंप्यूटर की तरफ, ये डाटा क्या करेगा इसी बस को सेंड करेगा, बस क्या करेगी डाटा इस कंप्यूटर में जाएगा क्योंकि डाटा के साथ एड्रेस मैच होता है। अगर एड्रेस होता है ये इस कंप्यूटर के पास जाएगा, जब इसके पास जाएगा एड्रेस अगर मैच होगा तो कीप इट कर लेगा, नहीं होता नेक्स्ट कंप्यूटर, इस तरह चलते चलते आखिरकार डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ पहुँच जाते हैं। इसके बाद है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन द नेट, ईच कंप्यूटर चेक द एड्रेस, मतलब हर कंप्यूटर क्या करता है एड्रेस चेक करता है। इफ़ इट मैच विद द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर द कंप्यूटर कीप द डाटा, मतलब हर कंप्यूटर डाटा ये इधर आएगा ये चेक करेगा फिर ये चेक करेगा फिर ये चेक करेगा, हर कंप्यूटर मतलब ये डाटा को चेक करता है, जिस कंप्यूटर में डाटा मैच होता है वही कीप इट कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज द डाटा मूव फ्रॉम वन नेक्स्ट कंप्यूटर, मतलब ये डाटा क्या होता है वरना नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ मूव हो जाता है। अब इसके बाद एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़, मतलब ये बिल्कुल सादा होता है, सिंपल एंड ईजी टू यूज़, इसको सादा और आसान इस्तेमाल होता है। इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल, मतलब ये स्मॉल छोटी लेंथ ऑफ केबल होता है, केबल की तादाद कम होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव कम कीमती होता है। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस, मतलब बस को यहाँ बढ़ाना बहुत आसान होता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, मतलब भी इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ट्रबल शूट मतलब किसी भी नुक्स या ख़राबी से निकालना के लिए इसलिए बहुत ईजी होता है। इसके बाद इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसमें थोड़ी तादाद में कंप्यूटर अटैच होते हैं क्योंकि 5, 10, 8 कंप्यूटर अटैच होते हैं। इसके बाद द नेटवर्क स्पीड एंड स्लो डाउन द नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसकी नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, यहाँ तक टॉपिक हमारा क्लियर और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल रिपीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।